करते हुए सुनते हैं आज की ये खौफनाक कहानी। दोस्तों, ये कहानी है लॉकडाउन की। तो लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग अपना टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते थे, और लॉकडाउन ने ही कई सारे लोगों को कमाना सिखा दिया। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये दरअसल तब की बात है कि जब लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था, उस वक्त मैं अपने गांव गई हुई थी जो कि कानपुर में है। तो कानपुर में जब मैं अपने गांव में गई तो वहाँ पर मतलब कि मेरी बहुत सारी कज़न थी और मेरी आसपास की फ्रेंड्स भी मुझसे मिलने के लिए आ चुकी थी। हम लोग छत पर बैठे बहुत सारी बातें करने लगे। तभी मैंने अपनी फ्रेंड्स को कहा कि यार चलो कुछ हॉरर स्टोरीज सुनाते हैं एक दूसरे को। तो हम लोग ऐसे ही बातें करने लगे, तभी मेरी कज़न आती है। तो वो कहती, अरे ये सब भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ मन का वहम होता है और ये सारी फिजूल बातें होती हैं। और इतना कहकर वो हंसने लगी। तभी बगल में बैठी मेरी एक कज़न जिसका नाम जन्नत था, तो उसने बोला, लगता है इनको आफिया दीदी का मैटर नहीं पता है। तो हम लोगों ने कहा कि आफिया का क्या। तो उसने कहा, अरे आप लोग को नहीं पता कि जो आफिया अप्पी थी उनके साथ क्या हुआ था। तो अब मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने कहा, यार बताओ, हम लोग इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अब हम लोग सभी एक्साइटेड होकर एकदम ध्यान से वो सारी बातें सुनने लगे। तो जन्नत ने बताया कि जो आफिया है वो मतलब कि उसकी बुआ की सबसे छोटी बेटी थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। साथ ही अब भाई जाहिर सी बात है कि वो जो इंसान खूबसूरत होता है उसे ज़्यादातर, यानी कि सभी लोगों को नहीं बोल रहा, जो ज़्यादातर लोग होते हैं उनको अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है, ठीक वैसे ही आफिया को भी था। तो क्या हुआ कि गाँव में जितने भी लोग थे सबकी नज़र आफिया पर ही होती, और जो कहीं पे भी जाए कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि आफिया को कोई छेड़ भी देता था। क्यों? क्योंकि उसकी खूबसूरती की वजह से। ये बात आफिया के अब्बू को मतलब बहुत बेकार लगती थी, तो उन्होंने कहा कि यार ये गांव में रहेगी तो कुछ ऊंच नीच बात हो गई तो इज्जत तो मेरी ही उछलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि आफिया को दिल्ली भेज दिया उसके मामू के यहाँ पढ़ाई करने के लिए। आफिया वहीं पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी और अपने मामी और मामू के कामों में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे इसी तरह वक्त गुजरता गया, लेकिन एक दिन खबर आई कि जो आफिया की जो दादी है उनका इंतकाल हो चुका है। जब ये बात सुनी तो उसके मामी मामू और आफिया तुरंत ही कानपुर के लिए निकल गए। लेकिन उनके पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि उसकी दादी को कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जो कि ये बात आफिया को बहुत ही ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि आफिया को अपनी दादी से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो अपनी दादी से मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि मैं नहीं बता सकती। तो जिसकी वजह से वो सैड थी कि लास्ट टाइम भी उसने अपनी दादी को नहीं देखा। तो उसने अपनी मतलब कि जो उसकी बड़ी अप्पी यानी कि उसकी जो सिस्टर थी आफिया की, तो उसने कहा कि अप्पी मुझे एक बार दादी के कब्र पर जाकर फातिया करना है, फातिया मीन्स की प्रेयर करनी है। लेकिन उसकी अप्पी ने कहा, अरे नहीं, लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर उसकी अप्पी चली गई। फिर आफिया ने क्या किया कि और दो तीन कज़िन्स के साथ मतलब अपना ये सारी चीज़ें बोला कि यार मुझे दादी के कब्र पर जाना है, लेकिन सभी ने मना कर दिया। इसी तरह उसने घर परिवार में सबसे कहा, लेकिन सब ने मना कर दिया। वो उदास होकर अपने घर के बाहर बैठ गई। तभी किस्मत से उसकी एक दोस्त जिसका नाम सिफा था वो आई। तो अब आफिया ने सिफा से कहा कि यार प्लीज़ मुझे मेरी दादी के कब्र पर जाना है, मुझे उनसे मिलना है, उनके लिए प्रेयर करनी है। तो उसने कहा, नहीं यार, घर में किसी को पता चलेगा ना तो हम दोनों को मार पड़ेगी। तो उसने कहा, बस हो गई, यही दोस्ती है यार, मतलब कि अब दोस्ती की खातिर तो इतना नहीं कर सकती। यानी कि आफिया जो थी वो सिफा को अब ब्लैकमेल करने लगी थी इमोशनली। तो उसने कहा कि यार चल ठीक है, अब तू इतना बोल रही है तो चल, लेकिन हाँ प्लीज़ यार जल्दी लौट कर आ जाएंगे, नहीं तो अगर घर में पता चला ना यार तो अम्मी अब्बू बहुत मारेंगे। आफिया ये सुनकर खुश हो गई और बोली, अरे अरे तू चिंता मत कर,
साथ में चलते हैं और जल्द ही लौट आएंगे। उसके बाद जब आफिया और ये सिफा जब दोनों कब्रिस्तान गए तो देखा कि यार वहाँ का माहौल मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था, मतलब कि इतने कब्रिस्तान में बहुत सारे अनार के पेड़ लगे हुए थे और अनार भी दिखने में एकदम लाल लाल एकदम अच्छे दिख रहे थे। वो गई और कब्रिस्तान के अंदर आफिया गई और सिफा भी गई थी, लेकिन वो थोड़ा दूर खड़ी थी। कुछ देर के बाद क्या हुआ कि दोनों घर लौट आए। उसके बाद क्या हुआ कि आफिया घर आकर वो अपना चुपचाप सो गई। दूसरे दिन जब वो उठी तो उसे पता चला कि सिफा की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर आफिया को भी बड़ा मतलब डर लगा कि यार अचानक सिफा को क्या हो गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और मतलब बताया गया कि वो पता नहीं क्या इधर उधर की बातें कर रही है। और शाम होते होते क्या हुआ कि आफिया की भी तबीयत खराब हो गई। जब उसके घर वालों ने देखा कि आफिया की तबीयत मतलब इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उसके कुछ दिन के बाद मतलब कि वो घर लौट आई, लेकिन फिर से वही एक शिकायत ये थी कि उसका सर दर्द मतलब कि बहुत ज़्यादा होने लगा था। बहुत सारी दवाइयाँ कराने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यानी कि उसका सर दर्द जो कि दवाइयों से जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर वालों ने यानी कि उसके मामी और मामू ने मतलब कि नोटिस किया कि ये जो आफिया है ये मतलब कि आपस मतलब अपने आप ही बात करती रहती है किसी से। साथ ही वो खाना जल्दी नहीं खाती थी, खाने के लिए केवल बस वो मिठाई या कोई मीठी चीज़ खाने को मांगती थी। उसकी नानी को धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उसकी नानी ने कमरे के बाहर से ये सुना कि रात के वक्त वो किसी से प्यार मोहब्बत की बातें कर रही है। उसकी दादी समझ गई कि जरूर ये कोई ऊपरी चक्कर है, क्योंकि उस वक्त तो आफिया के पास फ़ोन भी नहीं था कि हाँ वो फ़ोन से किसी से बात कर रही हो। दूसरे दिन उसकी नानी ने क्या किया, एक मौलवी को बुलाया। मौलवी जैसे ही आए तो आफिया एकदम आंखें घूर घूर कर मतलब उसको देखने लगी मौलवी को। अब मौलवी ने कुछ अपना पढ़ा उसके ऊपर फूका तो वो तुरंत आके एकदम शांत होकर बैठ गई। फिर उसके बाद मौलवी ने उसके नानी मामी और उसके मामू को बताया कि आफिया के ऊपर एक जिन मतलब कि हावी हो चुका है। ये सुनकर सभी हैरान, उन्होंने कहा कि कैसे। तो उस मौलवी ने बताया कि ये कहीं गई हुई थी, वहाँ पे इसने अनार खाया है, यानी कि उसने जिस पेड़ पर जिन वास करता था उसने वहाँ का अनार तोड़कर खाया है, जिसकी वजह से वो जिन इसके ऊपर आसिक नहीं हुआ है बल्कि गुस्सा हो गया है। और उस मौलवी ने ये भी बताया कि इसकी एक सहेली है जिसने उसी पेड़ से अनार खाया है, जिसकी वजह से वो जिन इन दोनों लड़कियों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और तभी वो जिन इनको परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो जिन होता है वो अनार के पेड़ पर वास करता है। तो अब उसके घर वाले एकदम परेशान, उन्होंने कहा मौलवी कुछ तो करिए, हमारी बच्चियों को बचाइए। तो मौलवी ने कहा कि देखिए मैं इन्हें रोक तो नहीं सकता, यानी कि इसे काट तो नहीं सकता, बट हाँ कुछ समय के लिए मैं इसको बचा के रख सकता हूँ। इसका इलाज आपको मैं जो मेरे से बड़े मौलवी हैं आपको उनसे करवाना होगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि आफिया मतलब इसी तरह हरकतें करती रही और धीरे धीरे वो मतलब जैसे पागल सी हो गई। और एक दिन क्या हुआ कि वो छत पे गई और उसने वहीं से कूद के सुसाइड कर लिया। अब मतलब कि सब घर परिवार एकदम तबाह हो चुका था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और दूसरी साइड क्या हुआ कि जो सिफा थी वो भी पागल होके इसी तरह उसने भी सुसाइड कर लिया। लेकिन उनके घर वालों को पता था कि आखिर जो इन लड़कियों के साथ हुआ है, जो इन्होंने सुसाइड किया है, आखिर क्यों किया है, क्योंकि ये ऊपरी चक्कर था और जो जिन इन लड़कियों पे पॉजेस हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि उसके अम्मी अब्बू को ये नहीं पता चला कि भाई चलो ठीक है आफिया के साथ जो ये हुआ तो हुआ, लेकिन जो सिफा थी यार वो तो बाहर खड़ी थी, तो उसने कैसे उस पेड़ के मतलब कि अनार उसको खाया, और फिर मतलब एक अनार खाने की वजह से मतलब ये सारा चीज़ हुआ, मतलब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। बट जिन तो उन पर गुस्सा हुए थे भाई, हो सकता है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे सामान रखा हुआ है और आपसे बिना पूछे कोई चीज़ वो उठा के इस्तेमाल कर ले, तो जाहिर सी बात है कि आपको तो भाई गुस्सा तो आएगा ही,
उसी तरीके जो जिन होते हैं वो भी अनार के पेड़ पर वास करते हैं, और भी कई सारे पेड़ होते हैं बट अनार के पेड़ पे ज़्यादा होते हैं। देन क्या हुआ कि भाई उनकी उनसे अगर उनकी चीज़ बिना पूछे अगर कोई भी लेगा तो गुस्सा तो करेंगे ही, तो शायद यही वजह था कि जो आफिया और सिफा की मौत हो गई। लेकिन हाँ, जो आफिया जो जन्नत थी उसने बताया कि आफिया जो है वो अपनी मामी के ख्वाबों में हर रोज आती है और वो रोती रहती है। तो अब ये सारी चीज़ें जब स्टोरीज हमने सुनी तो यार लगा कि हाँ यार सच में होते हैं जिन भूत प्रेत। तो गाइज यही थी वीडियो छोटी सी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पर ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।